जो ये मेरा ऑफिस वाला रूम है ना, उसमें मेरे को थोड़े से चेंजेस करने। मैंने इसमें अभी जैसे आपने वीडियो देखा होगा मेरा डी क्लटर वाला, उसको तो उस वो वाला जो है उसमें क्या है, सारा मैंने इसमें इधर वो लगाया था, जैसे ये स्टैंड था, सॉरी शेल्फ थे, और यहाँ पे ऑटोमन्स वगैरह रखे थे। तो बट अब जैसे सर्दियाँ हो गई हैं, सर्दियों की वजह से क्या है कि जैसे धूप आती है, वैसे भी थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट टाइप हो रहा है। मिसमैनेजमेंट इसलिए हो रहा है कि, अरे कहाँ गया, मिसमैनेजमेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे कोई गेस्ट आता है या कुछ है, तो इधर रात को सोने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस रूम में दीवान रख रहा हूँ। तो ये रूम प्लस ऑफिस कुछ भी कह लो, उस तरह से इसको बनाएंगे। तो ये वाला एरिया है ना सामने, जहाँ चेयर पड़ी है, यहाँ दीवान आएगा डोर के साथ यहाँ पे, और ये जो रैक है इसको साइड पे करेंगे। मगर जो ये ऑफिस टेबल वगैरह है, ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा। तो ये इस वाले जगह पे टेबल तो ऐसे ही रहेगा, ये ऑब्वियसली थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा इधर। और यहाँ पे हम इस वाली जगह पे, सॉरी इस वाली जगह पे हम दीवान रखेंगे। पहले मैंने ये टेबल वाली जगह पे यहाँ पे सोचा था, बट ये यहाँ से करके आई थिंक इस जगह तक आ जाएगा दीवान, तो थोड़ा सा जगह कम हो जाएगी इस रूम में। बाकी रख के देखते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली तो वही आएगा, देखते हैं अभी। ये जो है ये बस घूम ही जा रहे हैं, कहीं लगता नहीं है। ये देखो, जितना मर्जी कर लूं ये सब चीजें आ ही जाती है। अब ये दीवान आ गया, ये दीवान को हम इस जगह पे रखेंगे ताकि ये रूम में थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए और वैसे भी थोड़ा सा मैनेजमेंट हो। ये ड्राइंग रूम में रखा हुआ था, आपको दिखाता हूँ। वो सामने दिखाई दे रही जगह जहाँ पे जगदेव अभी है, उधर रखा हुआ था। ये खैर कपड़े सूखने डाले हुए क्योंकि बात बहुत धुंध है, वहाँ रखा हुआ था, मगर मैनेजमेंट हो नहीं पा रही थी जगह की, इसलिए ये वापस अभी यहीं आया। पहले रखा था कुछ टाइम, हटा दिया था। फिर ये जगदेव अभी झाड़ू लेके आया, उससे इसको क्लीन कर, ये रहने देता हूँ, बोलूँगा नहीं सिर्फ ऐसे ही। किधर रखना चाहिए दीवार? फिर ये कहाँ रखोगे? ये उधर ही रहेगा, टेबल उधर, दीवान इधर रखा जाएगा। दीवान किधर तक आएगा, ज्यादा आगे आएगा क्या? रूम छोटा लगेगा उससे, करके देख लेते हैं। क्या बोल रही है, फिर उधर उसकी तरफ अलमारी की तरफ कैसे जाओगे? एक बार रख के देख लेते हैं, तो चेंज तो करेंगे। मैंने सोचा कि
ये लेआउट सोचा है इसमें, क्या है दीवान इस साइड में एंड स्टैंड शेल्फ जो है वो उसी जगह पे और टेबल यहाँ, इस तरह से सोचा है। थोड़ा लाइट भी आती रहेगी, खाली स्पेस भी हो गया, आने जाने का काफ़ी हो गया। चाहे तो चेयर रखो ना रखो, यहाँ पे बैठने के लिए कोई आता है या रेस्ट करने के लिए तो ये स्पेस है। ये बन गया हमारा। अभी ये सारा सामान उठा के साइड पे रखा है, अभी ये सारा क्लीन करेंगे, उसके बाद में ये सब चीज़ आएंगी। क्योंकि घरों में जितना मर्जी कर लो, सामान कर लो, कुछ कर लो, गंदा तो होएगा। जो वीडियोस आप यूट्यूब पे देखते हो वो कभी भी रियल नहीं होते, वो सिर्फ साफ करे होते हैं, उसी टाइम किया जाता सारा कुछ। बुक्स ना सीधी सीधी रख दो, ये ना गिर जाती है, ऐसे से रख के ऊपर कुछ रख दो, डब्बे ऊपर ना रखना, डब्बे नीचे कोई रखना। जगदेव ने सारा सामान प्रॉपरली टिका दिया शेल्फ के ऊपर। पता नहीं मेरे मुंह से हमेशा शेल्फ की जगह ना भूल गया। एक तो हमें कीमती खजाना भी तो मिला है, हमें कीमती खजाना मिला है क्या? घड़ी का चार्जर। घड़ी का चार्जर हम कितने टाइम से ढूंढ रहे थे, वायरस की गुम गई थी ना इसलिए। ये हमेशा चेक करने आते हैं कि क्या हो रहा है, इसको भी लगता होगा पता नहीं क्या करता रहता दीपक। ये हमने सारा सामान ना, जितना भी कपड़े लाइक बेडिंग वगैरह फालतू थी और ये बॉक्सेस वगैरह जो है कुछ रहा था, ये हमने इसके बीच में रख दिया। एक कंबल पड़ा था कंबल और मम्मी की साइड, वो क्रिसमस ट्री भी तो है और कंबल भी है उधर। कुछ चीजें रह गई थी जैसे ये, और इस बार ये क्रिसमस ट्री जो है ये तो लगाया ही नहीं, छोटे वाला ही किया, वो भी जो केयर नहीं किया था वो तो बाद में। तो ये क्रिसमस ट्री है ये मेरे ब्रदर ने दिया था लास्ट ईयर मुझे, मगर इसको लगाया नहीं, इस बार नहीं लगाया। मेरा मन तो करता है कि सारा साल ही क्रिसमस ट्री रहे, बट जेम्स के बाल। जो ये वाला मैट्रेस है ना, ये कॉयर वाला जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, कोकोनट वाला, कोकोनट के ऊपर छिलका होता है, ये वो वाला कॉयर वाला है। ये बहुत साल पुराना है और अभी भी ये बहुत कंफर्टेबल है, जैसे बैक एक केयर होती है ना, तो इस पर लेटने से, इस पर सोने से एकदम प्रॉपर ठीक हो जाती है। तो ये अभी तक पड़े हैं, ये मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं तो 16-17 साल पुराना होगा शायद। हाँ हो गया उतना तो, टूट गया है, टूटा नहीं है मतलब थोड़ा मुड़ जाता है वो हो गया, बट अभी भी उतना क्या उतना ही कंफर्टेबल है। अभी हम इसको यूज़ करते हैं इसी वजह से क्योंकि कंफर्टेबल बहुत है, इसको बाहर ही रहना। और इस तरह से दीवार में नहीं, नहीं बाहर है इसने, ये जब बैठते नीचे नीचे होता रहता है, नहीं बता रहा हूँ। अरे अच्छा नहीं लग रहा। क्या अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा नहीं लग रहा। ओके, जैसे आपको अच्छा लगे, हमें कोई चिंता है ही नहीं। ऐसे दीवान बेड भी बिछ गया, अब इस पे कुशन रखेंगे। ये मम्मी के लिए दीदी ने एक सूट भेजा है और जेम्स के लिए लिफाफा और मेरे लिए एक ये वॉच भेजी है।
ये चीज़, ये मम्मी के लिए सूट सिल्क का है और मेरे लिए वॉच है फॉसिल की। थैंक यू दीदी।